हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक। आज की वीडियो में हम बतलाएंगे अगर आपके पास CBZ एक्सट्रीम बाइक है या फिर हंक बाइक है या फिर होंडा साइन बाइक है, अगर आपका माइलेज नहीं देता है या फिर RPM कभी स्लो होता है कभी हाई होता है, यानी इंजन रेस होता है कभी स्लो होता है, बाइक आपका तेल ज़्यादा खाता है, सही से चलता नहीं है, तो आपको ये पार्ट ज़रूर से डलवाना चाहिए। अगर आप फिल्टर वगैरह सब चेक करा चुके, कार्बोरेटर वगैरह क्लीन करा चुके, तो ये कार्बोरेटर में ये पार्ट लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं चौक का पिस्टन। ठीक है, ये कार्बोरेटर में लगा हुआ रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ये स्प्रिंग आपका सड़ जाएगा तो ये पिस्टन जो आप देख रहे हैं, ये पिस्टन जो है ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से तेल बहुत ज़्यादा पीता है और ट्यूनिंग भी सही से नहीं रुकता है मेरे दोस्त, और माइलेज भी बहुत कम हो जाता है। तो ये सबसे पहले हम आपको पार्ट नंबर दिखला दें। बहुत मिस्त्री भाई हमको बोले हैं कि ये जो आप वीडियो बना रहे हैं इसका पार्ट नंबर ज़रूर से दे दीजिएगा, तो पार्ट नंबर आप देख लीजिए, बहुत कमेंट भी आया था। तो ये पार्ट नंबर आप देख सकते हैं, 160/46 KTN 901S, ये ओरिजिनल पार्ट नंबर है। ये शोरूम से भी आप ले सकते हैं और होंडा साइन बाइक में भी लगा सकते हैं। ये हीरो का शोरूम में मिल जाएगा और होंडा बाइक में भी लगा सकते हैं। इसमें भी रहता है मेरे दोस्त पार्ट नंबर, ये देख सकते हैं, और इसका जो नाम है स्टार्टर सेट वाल्व है। टोटल क्वांटिटी एक सेट है। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो आपको बतला दिए, पार्ट नंबर इसमें भी दिया हुआ है, 160/46 KTN 901S, नाम है इसका स्टार्टर सेट वाल्व। तो मेरे दोस्त, ये जो आप जब भी लीजिएगा तो ये कवर भी आ जाएगा, ये स्प्रिंग जो है बहुत ज़्यादा सड़ जाता है, जिसके वजह से माइलेज का दिक्कत आता है, RPM हाई लो होता है, स्लो होता है, ट्यूनिंग नहीं रुकता है, बाइक चलने में प्रॉब्लम करती है, और कभी कभी पिस्टन में जंग लग जाता है, सड़ जाता है। जब हम चौक लेते हैं तो ये पिस्टन ऊपर जाता है, और जब चौक को छोड़ते हैं तो ये पिस्टन नीचे रहता है। अगर ये स्प्रिंग ख़राब हो जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर हो जाता है, जिसके वजह से माइलेज में दिक्कत आता है, RPM वगैरह में दिक्कत आता है। तो आप जब सब कुछ करा के थक गए हैं, माइलेज भी नहीं दे रहा, गाड़ी ट्यूनिंग भी नहीं रुक रहा, RPM स्लो हो रहा, कभी रेस हो जा रहा कभी बढ़ जा रहा, तो आप ये पार्ट ज़रूर से चेंज कराएं। आपको कार्बोरेटर चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट आता है, ये पार्ट आप ज़रूर से चेक करा लें। तो अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।